गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज छुट्टी का दिन है तो सभी अभी तक सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं क्योंकि छुट्टी है, नहीं तो सभी जल्दी उठ जाते हैं और मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ। आज सभी सोए हुए हैं तो मैं भी यहीं पर बैठी हूँ कि अब क्या करूँगी, क्योंकि जब जब उठेंगे तभी हमारे काम स्टार्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ अपना काम। अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ सुबह की पहली चाय। आप सभी को पता है कि मॉर्निंग स्टार्ट हम सबकी चाय पीने से ही होती है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। सर्दी होने के कारण सभी लेट उठते हैं छुट्टी के दिन। वैसे तो डेली रूटीन में रहता है जल्दी उठना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठते हैं तो काम भी जल्दी हो जाते हैं, मगर अब छुट्टी के कारण आज मैं भी लेट चल रही हूँ। बच्चे लेट उठते हैं तो काम भी लेट ही स्टार्ट होंगे, तो पहले मैं बना रही हूँ चाय। चाय पीने से ही सभी की मॉर्निंग स्टार्ट होगी। फिर मैंने बनाया बच्चों के लिए दूध। अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में बनेगा आज सभी का फेवरेट आलू का परांठा। आप सभी को पता है कि डेली रूटीन में तो वही सिंपल नाश्ता रहता है, क्योंकि सुबह सुबह तो किसी का भी मन नहीं होता नाश्ता करने का, मगर रूटीन में जो चलता है वही खाते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो सभी अच्छी तरह से नाश्ता करेंगे, तो उनके फेवरेट नाश्ता आलू का परांठा बना रही हूँ। उसके लिए पहले मैंने आलू को उबाल लिया था और उसे मैश कर लिया। उसमें फिर मैंने जो प्याज, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर कर रखा था वो डाल दिए थे, और इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दिया था क्योंकि यह सभी के लिए अच्छा होता है। तो वही सुबह के नाश्ते की तैयारी में अब मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। फिर मैं डाले वही बेसिक मसाले जो हम डालते हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च। यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू के परांठे गर्मा गर्म। ये तो सभी के फेवरेट होते हैं आलू के परांठे, यहाँ तक कि बच्चे भी आलू के परांठे तो खुश होकर खा लेते हैं, और परांठा हो तो उसके लिए तो इनका मन ही नहीं करता, मगर आलू के परांठे तो सभी खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म आलू के परांठे। तो सर्दियों में आलू के परांठे और चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो वही बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे।
सभी के ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया, साथ में ही मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने धोए कपड़े और उनको सुखाने के लिए अब मैं आई हूँ छत पे। कपड़े तो मैंने कल ही धो लिए थे, मगर जो बच्चों की ड्रेसेस थी वही धुली है आज। तो जब सुबह हम लेट उठते हैं तो काम भी सारे लेट होते जाते हैं। अब सर्दियों के दिन है तो लेट, छुट्टी के दिन तो लेट हो ही जाता है। तो लेट उठे हैं तो चाय नाश्ता सभी कुछ लेट हुआ, तो कपड़े भी लेट हो गए अब धोने के लिए आज। तो फ्रेंड्स, सुबह से मैं अपने कामों में लगी हुई थी, आपसे बात करने का भी टाइम नहीं लगा। अब मैंने मॉर्निंग का अपना सभी काम कर लिया है। दरअसल नाश्ता बनाने के बाद, सभी के खाने के बाद मैंने खाया, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने लग गई। तो अब मिला है टाइम आपसे बात करने का, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अब हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं स्नैक्स, और स्नैक्स में आज बना रही हूँ बच्चों के लिए मैं आलू का सैंडविच। आप सभी को पता है कि बच्चों को हर डेली में स्नैक्स चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए स्नैक्स में, तो वही बनाने की लगी हुई हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब हो रहा है इवनिंग का टाइम, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ स्नैक्स। तो आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।